हाँ बोलो, क्या बकवास कर रहे हो? ये नहीं हो सकता है। क्या हुआ? किसका फोन था? भाई वो मेरी फैक्ट्री पे आईटी की रेड पड़ गई है। कह रहे कि कोई अंदर के आदमी ने खबर दे दी है। भाई उन लोगों ने मेरा ऑफिस सील कर दिया है, मेरा गोडाउन भी सील कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी। हाँ तो हम सब है ना भाई, आप समझ नहीं रहे हो। इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर था मेरा, मुझे डिलीवर करना था। अरे रोनी तू टेंशन क्यों ले रहा है, हमारा रोज का काम है। तू बस प्रोडक्ट बता, डिलीवरी हम करा देंगे। डाइट चिप्स का ऑर्डर था। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, हम घर पे बना सकते हैं सब कुछ और यहीं से पैकेजिंग करके हम लोग डिलीवर करवा देंगे। हमने पहले जूस भी तो पैकेज किया था ना। बहुत बड़ा ऑर्डर है, इतनी इजीली नहीं हो सकता। अरे चाचू देखो, हर चीज ना आसान नहीं होती है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर हम हर चीज को सिस्टमैटिकली करें ना, और हर चीज में अपना दिमाग लगाए और पूरी मेहनत लगाए ना, तो सारी चीजें सक्सेसफुल होती है। अब मुझे ही देख लो, मैंने इतने सारे कॉन्सर्ट्स हैंडल किए हुए, तो मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। आप बस मेरी बात सुनो। रोहित ठीक बोल रही है पुत्र, तू चिंता ना कर, हम सारे हैं ना तेरे साथ। चाचू इतना मत सोचो, आप अपनी रूही चूही के लिए इस घर में आए थे ना, तो अब आपकी रूही चूही को आपकी मदद करनी है, बस इतना क्यों सोच रहे हो? टेंशन मत लो। ठीक है तो मैं काम करता हूँ, मैं जो भी मटेरियल है वो ऑफिस से मंगवा देता हूँ, देखते अगर हो सकता है तो विल ट्राई। ऑफिस एक्सेस आप मंगा ले, मैं सबसे पहले सोफा क्लियर कर देता हूँ। तो बंदूक को आ जाना चाहिए था, कहां रह गई? वाला मेक यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी यार, कॉलर अप, कम ऑन बेबी। इनफैक्ट वो मेरी स्टूडेंट्स भी यही कह रहे थे कि यू नो आई लुक रियली यंग इन दीज क्लोथ्स, है ना? वाला और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इन्हें ट्रेन करने की। एक्चुअली हम लोग कैब में साथ में आए, यू नो ये लोग पास में रहते हैं। ओह हाय, व्हाट अ नाइस आइडिया टू शेयर अ कैब, इससे पॉल्यूशन कितना कम होता है ना? ऊपर चलिए ना, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनाता हूँ। हाँ क्या सब्जेक्ट्स के आपके वैसे? ये बाला तो इतना हंस-हंस के बात कर रहा है, मुझे तो लगा था कि जेलस होगा। बंधु अरे भाई तुम कहाँ खो गई हो? अरे अपने गेस्ट को कॉफी के लिए तो इनवाइट करो, हाउ रूड यार। नहीं नहीं आज काफी देर हो चुकी है, हम किसी और दिन आते हैं। नहीं नहीं आई इंसिस्ट, आप लोग चलिए ऊपर कॉफी के लिए प्लीज। इट्स ओके अगर आप लोगों को जल्दी है तो, बट आई रियली विश कि हम लोग साथ में कॉफी पी पाते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम। बाला तुम चलो, मैंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने कल के लिए, तो वो देकर आती हूँ मैं। हाँ ठीक। अरे बंदो सुनो ना, इधर आओ ना, सुनो तुम जल्दी ऊपर आना, मैंने आज तुम्हारे लिए शॉपिंग किया कुछ वेस्टर्न आउटफिट्स की, एंड आई एम वेरी श्योर यू लव देम। कम ऑन। बंदो जितनी प्लान तो काम नहीं किया, मैंने दोनों से इतनी एक्टिंग कराई, बस एनीवे थैंक्स जतिन। अरे कोई नहीं अलिया, हमें भी रोल प्ले करने में बहुत मजा आया, चलते हैं। टेक केयर, बाय। वंदु जीती माना सर नॉर्मल तो है ना, हमें आपको भी लोगों के साथ देख के बिल्कुल जेलस नहीं हुए, ऊपर से आपके लिए सरप्राइज। अब क्या करेंगे? कुछ तो सोचना होगा मुझे, कुछ नया प्लान करना होगा। एनीवे आप टेंशन मत लो, आप जाओ, बस मेरी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना। ओके आई डू समथिंग, बाय। काम के सिलसिले में अपने दवाई खाना भूल गए, पहले दवाई खाओ नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो खा लो दवाई और जाके आराम करो। दादू आप दादी को ले जाइए, पार्टी आप भी जाइए, ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, आप लोग प्लीज जाके। पक्की गल है, कुछ काम रहते नहीं है, आप जाके आराम करो। अच्छा सुनो, आई थिंक हम आप सबको भी आराम कर लेना चाहिए, कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि सारे ऑर्डर्स खत्म हो जाए, फटाफट डिलीवर कर दें। ओके
है ना मम्मी चाचू? हाँ चलो सब लोग चल के आराम करते हैं। थैंक्स भाई। काम लगाओ रमन, आज मेहनत ज्यादा हो गई। नहीं 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 इट्स ओके, आई विल डू इट फॉर यू। नहीं बाबा इट्स ओके, यू रेस्ट। वैसे एक बात बताऊं, आज रूही को सब कुछ सिंगल हैंडली मैनेज करते हुए देख बहुत अच्छा लगा यार। आई मीन इतनी सी उम्र में हमारी बच्ची कितनी मैच्योर हो गई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा रमन, इट्स अ वेरी गुड साइट। फिर रूही जब से घर पे आई है ना, उसने पूरे घर को एक डोर में बांध रखा, सब फिर से एक हो गए। लेकिन रमन वो अपना डिसीजन चेंज करेगी, वो अपने परिवार के पास रहेगी। आई मैं मर गई इस मद्रासन को हराने के चक्कर में, इतने लत्ता भी टूट गई है, कमर भी फिटे मुंह, पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसकी माँ ने उसे, ऐसे टांग जली बिल्ली की तरह दौड़ती, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, फिर मैं कैसे पीछे रह जाती। पर होने जो मेरी हालत हो रही है ना भल्ला जी, की बताओ। पता है मुझे तोशी जी, पूरा बदन दुखने में की करा। अरे क्या जरूरत थी इतना दिखावा करने की, जब नहीं होता काम तो नहीं करना था ना। चलो ये पेन किलर लो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और रूही पुत्र आजा आजा, कुछ चाहिए था ना? नहीं नहीं वो मैंने सोचा कि आप पूरा दिन काम करके थक गई होंगी और आपके पैरों में दर्द होगा, तो मैं आपके लिए ये ऑयल ले आई। वो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रूहान बन के कॉन्सर्ट्स करती थी ना, तो कॉन्सर्ट्स के बाद मेरे भी पैर बहुत दुखते थे, तो तब ना मैं ये ऑयल लगाती थी। ट्रस्ट मी ये बहुत इफेक्टिव है, इसलिए मैं आपके लिए ले आई। मैं सत्य जावा मेरी बच्ची आजा 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 आजा, कितना प्यार है दादी से। देखा ना भल्ला जी, अजय बैजा बैजा, देखा रूही हम सारों को बहुत प्यार करती है, और इसका ये प्यार इसके दिल से हमारे लिए कभी भी कम नहीं होना। मैं थैंक यू पुत्र तेरा। थैंक यू तेरा बहुत बहुत जिंदा रहे मेरे बच्चा, जा जाके सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे। वेरी वेरी गुड नाइट। भल्ला जी रूही अगर हमारे पास आ जाए ना, तो मैं ये दर्द तो क्या, जिंदगी का हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। अब तो मुझे भी लग रहा है कि रूही का मन जरूर बदलेगा, वो अब नहीं जाएगी हमें छोड़कर, यहीं रहेगी। माता रानी ऐसा ही है, अब हमारी रूही कहीं ना जाए माता रानी। इशिता तुम्हें क्या लगता है रूही रहेगी हमारे साथ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों कि इस बार मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि रूही हमारे साथ ही रहेगी। इस हद तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सोच रहा हूँ कि एक बार रूही की कंपनी की डिलीवरी हो जाए, उसके बाद रूही की एडमिशन यहीं करा देते हैं स्कूल में, बिकॉज रूही हमें छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगी। हमारा ये होप ना टूटे। फिंगर्स क्रॉस्ड। रूमी मैं ये सोच रही थी कि अगर रूही रुक जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम लोग भी यहीं रुक जाते हैं ना। क्या सोच रहे हो? देखो आज जो कुछ भी तुम्हारे और जीजू के बीच में हुआ, तुम्हें नहीं लगता कि दोनों भाइयों के बीच में एक पीसफुल समझौता हो चुका है? कुछ तो बोलो। तुम बोलो मैं सुन लूं। देखो हम एक काम करेंगे, हम अपना घर ना रेंट पे दे देंगे। मैं ना हमेशा से चाहती थी कि मैं पूरे परिवार के साथ रहूं, हम सब लोग एक ही घर के अंदर, पर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
बट थैंक्स टू रूही ये पॉसिबल हो सकता है. तुमने देखा कैसे हमारे बुरे वक्त में पूरे परिवार ने कंसाइनमेंट को पूरा करने में हमारी हेल्प की. कहीं ना इस प्रॉब्लम की वजह से पूरा परिवार एक दूसरे के और क्लोज आ गया. रोमी यही रह जाते हैं ना प्लीज. मीका वो तो ठीक है पर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं इस घर में रहने आए हैं पहले ये तो पता चले कि वो यहाँ रहना चाहती भी है या नहीं. रहेगी रोमी जरूर रहेगी. मुझे नहीं लगता कि रूही अब खुद को हम लोगों से दूर कर सकती है. तो मैंने एक काम करता हूँ कल डिलीवरी खत्म होने के बाद मैं एक बार खुद जाकर रूही से बात करूंगा. मैं उससे पूछता हूँ कि उसके दिल में क्या है एक बार जानने की कोशिश करता हूँ क्या पता फिर सब ठीक हो जाए. हाँ. है ना. इसमें सारा प्यार रूही के लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं. और ले आऊंगी आराम से खाओ. अरे आधे घंटे तक टेम्पो बजा दो सामान रेडी है 11 बजे की डिलीवरी है करनी पड़ेगी प्लीज. ओए होए बड़ी काम में मगन है. हर काम तो मैंने भी बड़ा किया है. होने से बनता है कि थोड़ी इसकी छेड़खानी की जाए ताकि थोड़ी थकन तो उतरे. यार टूट गई है मेरी कमर. ए मद्रासन तेरे एक मजे की गल दसा. रूही ना मैनू बड़ा ही प्यार करती है. तैनू पता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मैनू प्यार करती है. अच्छा पता है क्यों होया कल रात को वो ना मेरे कमरे में आई ते कहन लगी दादी आप थक गई होगी ना ला मैं आपको तेल लगा दूं. उसने मेरे हाथों पे पैरों पे ना चंगा मसाज किया मेरा तो दर्द ही चला गया सारा. चल गई मद्रास और संतोषी ये तेल तो नहीं लगाया. ये तेल लेकर रोई मेरे पास आई थी कल रात को. बोली पार्टी पार्टी माई ये तेल रब करूं तुम्हारे पैरों पे हाथों पे. पर मैं तो बहुत काम करती हूँ ना संतोषी और मेरी एज के लिए मैं बहुत फिट हूँ तो मैंने मना कर दिया. पर ये तेल का बॉटल मैंने रख दिया अपने पास. रूही को बुरा लगेगा ना अगर ऐसा नहीं किया तो. ओए मद्रासन क्या मतलब है तेरे कहने का कि मैनू कोई मधु तेरा कितना ख्याल है ना मेरा. तो ये तेल लेके आई है मेरे पैरों पे लगाने के लिए. और यही तो वो तेल है जो कल रात को रूही ने मेरे पैरों पे लगाया था. अच्छा? है ना रूही पुत्र कितना ख्याल रखती है हम दोनों का ये हमारी बच्ची है हम दोनों का. आलिया हाय. पार्टी का है वो तो भल्लास के घर पे गई हैं. वो एक्चुअली रोमी का ऑर्डर कंप्लीट करना ना इसीलिए सब लोग वहीं पे कर रहे हैं काम. इनफैक्ट मैं तो तुमसे कहूंगा तुम भी जाकर जरा हेल्प करवाओ क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी काम होगा. आई वांटेड टू कम बट मुझे क्लासेस के लिए जाना है.
ठीक है, नो वरीज, मैं जाकर उनकी हेल्प करती हूँ। बाय। बाय। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यार, जल्दी से शावर लेके निकलता और आई विल गेट लेट फॉर द क्लासेस। अरे आलिया, तुम यहाँ? हाय आदि, तो एक्चुअली मैं बाला सर के घर गई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ ट्रबल में आप लोग, तो मैंने सोचा कि मैं भी हेल्प कर दूँ तुम्हारी। अरे आओ ना, ऑफ कोर्स, कम कम। जीती, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब, काउंटिंग कर रही हूँ, असाइनमेंट पूरा करना ना। मैंने अभी देखा बाला सर घर में अकेले है, आपको वहाँ जाना चाहिए। देखो ये मौका बार बार नहीं मिलता है, गो स्पेंड सम टाइम विद हिम। आला अकेला है, बहुत नर्वसनेस हो रही है आलिया। फंदू जितनी, आपके हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों इतना घबरा रही हो? ऐसे ना शादी के बाद भी इतनी नर्वसनेस क्यों? ओके ओके, नाउ यू शुड गो, यहाँ पे सब संभालूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे वंदिता, मेरी हेल्प कर दो ना यार, वो कार ठीक से पार्क नहीं की है, नीचे डार्ट चला रहा, मेरा बेटा ऊपर गया, मुझे पता नहीं कैसे चलाते हैं, तुम प्लीज कर दो ना। हाँ श्योर, कर देती हूँ, चलिए। ठीक है चिंती, चाय। अरे थैंक यू। ला भाई, क्या बात है? ला भाई, लाओ, चाय की जरूरत है। चल भाई, वो दो चाय पी। थैंक यू। अब नीलू, तुम एक काम करो, ये बाकी चाय ना सबको दे दो, मुझे कुछ काम याद आया, मैं भी आती हूँ। बंधु चित्ती, बंधु चित्ती, बंधु चित्ती, आप नहा रही हैं क्या? वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई कि आप घर पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराने सड़े कपड़े पहनोगे। वेयर समथिंग नाइस, कुछ सेक्सी सा पहनना, क्योंकि ये आपका और बाला सर का ना मी टाइम है, सो इसको स्पेशल बनाना, तो यूज सम कैंडल्स, परफ्यूम्स, कुछ नया करो। ओके ओके ओके, आई एम गोइंग नाउ, ऑल द बेस्ट। ये आलिया क्या बोल कर चली गई? चल क्या रहा है वंदू की लाइफ में? सेक्सी ड्रेस एंड नॉट, अच्छा, ओह माय गॉड, तो इसका मतलब आलिया वंदू की लव गुरु है। ओके आदि, सारे काटे खा के चेक कर। जी बाबा। हेलो, क्या? अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? ऐसे ऐसे हैंड मूवमेंट पे बोल रहे हो, तो मुझे टेम्पो नहीं मिलेगा, क्या बात कर रहे हो, अब मैं कैसे करूंगा? क्या बोलूं भाई, भाई टेम्पो वालों की स्ट्राइक है, और जब मैंने बुक किया तब उसने मुझे बोला नहीं, और एंड मोमेंट पे बोल रहा है कि अब टेम्पो नहीं मिलेगा, अब इतनी मेहनत की हमने। एक मिनट रोमी, मैं एक टेम्पो वाले को जानता हूँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ कि हमें दो टेम्पो भेज दे। हेलो, एक्चुअली टेम्पो तो अरेंज हो गए, लेकिन वो कह रहा है कि ड्राइवर्स की स्ट्राइक है तो ड्राइवर नहीं मिलेंगे। अरे तो हम इतने सारे जो हैं, एक टेम्पो मैं चला लूंगा और दूसरा मैं चला लूंगा, पहले भी तो हमने ये काम किया ही है। अरे दादू आप टेंशन मत लीजिए, दूसरा टेम्पो मैं चला लूंगा। बट आदि एक काम करते, मैं चलाऊंगा, तू मेरे साथ बैठ। ओके। रोहित पुत्र, माता रानी से अरदास करना कि सब काम ठीक से हो जाए, आज पुत्र तेरी वजह से सारे परिवार ने मिलकर ये सब काम किया है। सुपर, सब कुछ अच्छे से हो गया, ऐसा सारा कुछ मेरी रूही की वजह से हुआ है। ले पुत्र, मुंह मीठा कर ले। आंटी जी, मुंह मीठा कराया जा रहा है, अच्छी बात है, करा लीजिए, कुछ ही दिनों की तो मेहमान है अब रूही आपके साथ। पहले ही तुम लोग
लोगों को वार्न किया था कि ये सब मत करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला तुम्हारी कोशिशों का, क्योंकि रूही बाद में मेरे ही पास आने वाली है। और देखो तुम्हारी मिठाइयों से भी कुछ काम नहीं चला, आखिर आई तो मेरे ही पास ना। पता नहीं मैं यहाँ पे खड़ी हुई बकबक क्यों कर रही हूँ। मैं तुम लोगों को ये बताने के लिए आई थी कि मैंने अपनी और रूही की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक कर ली है। हम लोग वापस जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमेशा के लिए। और रूही थोड़ा टाइम और झेल लो इन लोगों को। क्या हुआ रूही, सब ठीक है ना? आई मीन आई होप कि तुमने अपना फैसला ले लिया है कि तुम्हें क्या करना, राइट? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।